अब चलते हैं कल्याणपुरी, जहां से पीएम मोदी ने स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की थी। इस इलाके की महिलाएं यहां के परिमल, अगर आप हमारे साथ हैं, वहां महिलाएं कुछ खास काम करती हैं स्वच्छता के बारे में, शायद हमें बताना चाहेंगे वो वहां क्या किस तरह से स्वच्छता फैलाती हैं। देखिए, यहां पर सीधे तौर पे नारी शक्ति की बात है विक्रम, और किस तरीके से काम होता है ये फिलहाल जिस झुग्गी झोपड़ी में है वो एक बानगी के तौर पे है, लेकिन यहाँ पे 20-25 झुग्गी झोपड़ी की महिलाएं और पुरुष यहाँ पे जुटे हुए हैं। साथ में सेंटर फॉर एडवोकेसी एंड रिसर्च, जो इन लोगों को साथ में एकजुट करने में कामयाब हुआ है, और डूसु जो दिल्ली अर्बन शेल्टर इम्प्रूवमेंट बोर्ड है उनसे कनेक्ट करवाने काम कर पाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये महिलाएं आप देख रहे होंगे यहाँ पर, ये दरअसल जो कोशिश करती है उसकी एक बानगी आपको बताएं, यहाँ पर ये इलाके को लेकर ये एक चार्ट ये तैयार करती हैं, जिसमें शौचालय जो यहाँ पे बने हुए हैं उसमें कितनी साफ सफाई मेंटेन हो रही है, पानी जो सप्लाई वाटर आ रहा है उसकी क्या स्थिति है, नाली और गली में साफ सफाई हो रही है कि नहीं हो रही है, पार्क में साफ सफाई हुई कि नहीं, बिजली कूड़ा की गाड़ी यानी टिपर जिसको बोलते हैं छोटी गाड़ी वो पहुंची कि नहीं पहुंची। अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पर आपको लिखा हुआ है कि सफाई हो गया, कचरा नहीं उठा, लाल मार्क लग गया, और इस तरीके की जो रिपोर्ट बनती है तमाम चीजों को लेके, साफ सफाई को लेके, स्वच्छता को लेके, ये रिपोर्ट दरअसल ये सेंटर फॉर एडवोकेसी एंड रिसर्च को सौंपती है, और वो फिर सरकार का जो विंग है डूसिब उसके पास पहुंचाती है, ताकि एक निगरानी रखी जा सके, एक कोशिश रखी जा सके, एक मॉनिटरिंग करने की कोशिश है, और साथ में ये भी कोशिश करती है कि इलाके में कोई गंदगी ना फैलाएं उसको लेके कोशिश होती है। क्या लग रहा है, ये जो शुरुआत आप लोगों ने किया है कम्युनिटी मैनेजमेंट कमेटी के तौर पर, क्या बदलाव आया है आपके इलाके में? गंदगी कम हुई है सर, सफाई हो रही है अच्छे से, बीमारी भी कम आ रही है सर, सफाई हो रही है। जिस दिन सफाई होती है उस दिन हरा बिंदी लगती है, जिस दिन नहीं होती उस दिन लाल बिंदी। आप लोग कह रहे थे कि अधिकारियों पर भी दबाव होता है, फोन करके पूछते हैं कि आप पहले जैसे लाइटें जाती थी हम परेशान होते रहते थे, हमें परेशानी, हम फोन बार बार करते थे, अब ऐसे हो गया कि वो हमें फोन करके पूछते हैं कि कोई परेशानी तो नहीं हो रही है आपको, मैडम हमें बताइए अगर कहीं कोई परेशानी हो रही है तो हम आपके यहाँ ठीक कर देंगे लाइट की व्यवस्था। जो अमित जी भी मुहिम चला रहे थे बंद दरवाजा करके, उसी तरीके की एक मुहिम है यहाँ पर भी विक्रम, और ये सीधे तौर पे कोशिश ये है कि जो शौचालय को लेके जो हमारे मन में छवि रहती है कि नगर निगम का अगर शौचालय है, सरकार का शौचालय है तो आखिर वो गंदगी में होगा और बहुत ज्यादा गंदगी होगी, उसी को दूर करने के मद्देनजर इन लोगों ने ये जो चार्ट पेपर है, ये दरअसल शौचालय में लगता है, यहाँ पर बगल में शौचालय है, वहां पर एक तरीके से जवाबदेही तय करने की बात होती है कि हमारा शौचालय हम तो गंदा नहीं करें, लेकिन अगर साफ सफाई जिस तंत्र को करना है वो तंत्र कम से कम मिलकर काम करे, साफ सफाई को बढ़ावा दे। यहाँ पर सेंटर फॉर एडवोकेसी एंड रिसर्च से हमारे पास अकीला सेवादास है, आपसे समझना चाहेंगे आगे की क्या योजनाएं हैं, 20-25 बस्तियों में आप काम कर रही हैं, आगे क्या योजनाएं हैं? ये तो आगे भी ले जाना है, सिर्फ 20-25 नहीं पूरा शहर तक मतलब फैलाना है। आपने देखा है कि इनका कितना साहस, कितना बल, कितना कुशल, कितना मतलब ताकत के साथ वो लोग काम करते हैं। कोई भी अधिकारी नहीं कर सकते हैं, कोई भी मतलब एडमिनिस्ट्रेशन या प्रशासन से नहीं होगा, इन्हीं से पूरा आएगा। तो इनको मतलब आगे केंद्रित में रखते हुए सबको मतलब उनको साथ देना पड़ेगा, सिर्फ सरकार नहीं हमारे पास तो हम लोग भी शुरुआत करें नहीं, और पूरा मतलब हमारे साथ भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं, और ये सब काम मैं अब बताती हूँ कि ये नहीं हो सकता है जब तक आप कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन महिला प्रगति मंच को आप आगे नहीं रखोगे। एनजीओ से थोड़ा बहुत काम हो सकता है, तकनीकी काम, पर पूरा जमीन में जोड़ना है तो ये सब विमला जी हैं, हाँ। उन्होंने ही मतलब पूरा हम लोग को साथ दिया है, सब महिलाओं को साथ दिया और पूरा एक व्यवस्था समझ लीजिए बनाया है। क्या बदलाव आया है जब ये मुहिम की शुरुआत आपने 1-2 महीने पहले की, उससे पहले की क्या स्थिति होती थी शौचालयों की, आप क्या स्थिति? पहले की स्थिति होती ये थी कि सफाई वो मतलब 2-3 दिन में एक बार होता था, और जो कचरा है जो नैपकिन पैड जो रखते हैं वहाँ पे वो भी नहीं उठता था। तो हमने इसलिए सारे महिलाओं ने मिलकर ये बोले कि एक हम एक चार्ट बनाते हैं, और ये चार्ट के हिसाब से हम रोज का रिपोर्ट लिखेंगे कि हमारे बस्ती में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है,
उसके हिसाब से हम एक महीने का वो चार्ट बनाएंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि कितने दिन हमारे बस्ती में सफाई हुई, कितने दिन नहीं हुई, कितने दिन शौचालय सफाई हुई, कितने दिन कूड़े की गाड़ी आई, कितने दिन पानी आया, कितने दिन नाली कर्मचारी आए सफाई करने के लिए। तो इसलिए हमने ये सोचा कि एक चार्ट के माध्यम से हम ये रिपोर्ट आगे तक भेजें। एक कम्युनिटी मैनेजमेंट कमेटी है बनी हुई, और सीधे तौर पर एक चीज और आपको अगर बताना चाहूँ तो झुग्गी झोपड़ी क्लस्टर जो है वहाँ पे हर घर में शौचालय नहीं होता है, एक शौचालय सरकार की तरफ से बनाया जाता है जिसमें 20-25 का शौचालय का वो जगह होता है, और उसी को साफ सफाई को मेंटेन रहे उसको लेकर एक कोशिश और कवायद जो है, और साथ में कचरे को लेकर कि कोई इधर उधर ना फेंके उसको लेकर कोशिश और कवायद जो ये महिलाएं फिलहाल कर रही है, यानी स्त्री शक्ति की यहाँ पर बात हो रही है। और सीधे तौर पर ये बात हो रही है कि शुरुआत तो करो बदलेगा इंडिया, और वही कोशिश यहाँ पे हो रही है कि ये लोग पहल में शामिल हैं, साथ दे रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, कोशिश यही कि स्वच्छ भारत अभियान का कुछ लाभ उठाया जा सके, जो इनके इलाके की तस्वीर थी उसको बदला जा सके। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ थे अमित जी। वी कैन मे बी टेक अ ब्रेक एट दिस पॉइंट एंड देन टर्न आवर अटेंशन बैक टू द क्वेश्चन। इट इज वंडरफुल टू सी यू नो वुमेन टेकिंग पार्ट, वुमेन फ्रॉम स्लम एरियाज टेकिंग पार्ट, बिकॉज नॉर्मली यू एसोसिएट अनक्लीनलीनेस विद स्लम्स, एंड टू हैव देम वर्किंग एंड बी कॉन्शियस ऑफ दिस क्लीनलीनेस ड्राइव इज रियली वेरी क्रेडिबल। Right. All right.